हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इसका सेकंड वीडियो है और इसी तरह अन्य वीडियो मैं लाता रहूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि अ लॉफिंग स्टॉक। अ लॉफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल, अर्थात हंसी का पात्र, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हंसी का पात्र हो या जिस पर हंसा जा सके। देखिए, अब परीक्षा में आपको इस तरह अ लॉफिंग स्टॉक दे देगा, आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। ये जो सेंटेंस इधर लिखा है, हिज फुलिश आर्गुमेंट ही हैज मेड ही मे लॉफिंग स्टॉक ऑफ ऑल, तो इसको आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। तो जब तक आप इसके अर्थ को सही तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल की हिज फुलिश आर्गुमेंट, उसका मूर्खतापूर्ण तर्क, हैज मेड हिम अ लॉफिंग स्टॉक ऑफ ऑल, कह रहा है कि उसका मूर्खतापूर्ण तर्क जो है सभी के लिए एक हंसी का पात्र बना दिया। कह रहा है कि उसका मूर्खतापूर्ण तर्क उसे सभी के सामने एक हंसी का पात्र बना दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देखिए, एट होम इन। एट होम इन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेल वर्स्टिंग। एट होमिंग मतलब होता है वेल वर्सिंग, अर्थात दक्ष, मतलब किसी काम में दक्ष होना। देखिए, रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश, इसका है कि रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश, रंजीत इंग्लिश में दक्ष है। दक्ष मतलब एक्सपर्ट है, मतलब उसको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है। अगला है कि अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, अर्थात उत्तरदायी होना। अकाउंट फॉर का मतलब होता है उत्तरदायी होना। इसका एग्जाम्पल में देखिए यूज किया है कि यू मस्ट अकाउंट फॉर योर लॉस, कह रहा है कि यू मस्ट अकाउंट फॉर योर लॉस, तुम ही अपने लॉस के लिए, मतलब लॉस में हानि, तुम ही अपनी हानि के लिए जिम्मेदार हो। चूंकि यहां मस्ट लगा है, मतलब तुम्हें ही अपनी हानि के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, तुम अपनी हानि के लिए, तुम ही अपनी हानि के लिए जिम्मेदार हो। अगला है अ फार क्राई। फार कराए का मतलब होता है वेरी डिस्टेंट, दूर की। जैसे फॉर इंडिया, भारत के लिए टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कराए की कंट्रोल करना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब इंक्रीजिंग में बढ़ती हुई पॉपुलेशन में जनसंख्या, इज स्टील अ फार क्राई, मतलब आज भी बहुत दूर की बात है। कराए भारत के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना आज भी बहुत दूर की बात है। अगला देखिए लिखा है अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ का मतलब होता है वेरी मच, मतलब अत्यधिक। अ गुड डील ऑफ मतलब वेरी मच, मतलब अत्यधिक होता है। देखिए सेंटेंस में यूज किया है कि यू मस्ट फिनिश अ गुड डील ऑफ योर वर्क ऑफ योर कोर्स वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, कह रहा है कि यू मस्ट फिनिश, तुम्हें समाप्त कर लेना चाहिए अ गुड डील ऑफ योर कोर्स, अपना अत्यधिक कोर्स वेल अच्छी तरीके से बिफोर एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले। इसमें कह रहा है कि तुम्हें जो है परीक्षा से पहले अपने कोर्स को अपना अत्यधिक कोर्स जो है अच्छी तरह से परीक्षा पहले पूरा कर लेना चाहिए। अगला देखिए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कंसिस्टेंट विथ, मतलब के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, जैसे आई एक्ट, मैं कार्य करता हूं अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के सलाह के अनुसार। मैं कार्य करता हूं अपने भाई बड़े भाई की सलाह के अनुसार। नीचे देखिए लिखा है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है सो फार एज। एज फार एज का मतलब सो फार एज, अर्थात जहां तक। एज फार एज का मतलब जहां तक। देखिए सेंटेंस में यूज किया है कि एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, हरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। जहां तक मैं जानता हूं हरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, एज फार एज का मतलब जहां तक। उसके बाद है अ बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, बाधा या रुकावट होती है। अ बॉटल नेक मतलब ऑब्स्टिकल, बाधा या रुकावट। उसका कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटल नेक, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटल नेक, सारी बाधाओं के बावजूद या सारी रुकावटों के बावजूद, क्रिएटेड बाय हिज ओपोनेंट, जो उसके विरोधियों द्वारा उत्पन्न की गई, कह रहा है कि उसके विरोधियों द्वारा उत्पन्न की गई सारी रुकावटों के बावजूद ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, वो अपने मिशन में सफल हो गया या वो अपने मिशन में सफलता प्राप्त कर लिया। अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी।
देखिए अगला है बैग एंड बैगेस। बैग एंड बैगेस का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब बिस्तर बोरिए के साथ। विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब बिस्तर बोरिए के साथ। जैसे द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, देख रहे हैं द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों ने लेफ्ट इंडिया, भारत छोड़ दिया बैग एंड बैगेस इन 1947, कह रहा है कि 1947 में अपने बोरिया बिस्तर के साथ। तो अंग्रेजों ने 1947 में बोरिया बिस्तर के लिए, बोरिया बिस्तर के साथ अपना, बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ दिया। उसके बाद है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट बुश मतलब होता है टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे, मतलब घुमा फिरा कर किसी बात पे आना, मतलब किसी बात पे डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा करके किसी बात पे आना। देखिए लिखा है कि कम टू द मेन पॉइंट, इसका एग्जाम्पल है कम टू द मेन पॉइंट, कह रहा है कि मुख्य बिंदु पर आओ या मुख्य बात पे आओ, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर मत घुमाओ। इसका एग्जाम्पल है कि मुख्य बात पे आओ, इधर उधर मत घुमाओ। उसके बाद बर्ड्स ऑफ ए फीदर, कह रहा है कि बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब होता है पीपुल ऑफ द सेम नेचर, अर्थात एक ही स्वभाव के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ ए फीदर मतलब एक ही स्वभाव के व्यक्ति, जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, कह रहा है कि जो एक समान, कह रहा है कि एक ही स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो एक साथ रहते हैं। अगला है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब क्या है, बाय एनी मीन्स उचित या अनुचित रीति से, क्या मतलब होता है उचित या अनुचित रीति से, जैसे या इसको किसी भी तरह भी होता है। सॉरी फ्रेंड्स लाइट कट जा रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। देखिए बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है बाय एनी मीन्स, मतलब उचित या अनुचित रीति से। ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस, वह सफलता प्राप्त करना चाहता है इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। बाय हुक और बाय क्रूक मतलब उचित या अनुचित रीति, मतलब किसी भी तरह। बाय हुक और बाय क्रूक मतलब होता है किसी भी तरह, तो वह परीक्षा में किसी भी तरह सफलता प्राप्त करना चाहता है, या वह परीक्षा में उचित या अनुचित रीति से सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही। बाय एंड बाय मतलब शीघ्र ही, जैसे बाय एंड बाय शीघ्र ही विल बिकम अ परफेक्ट सेंट, वह करेक्ट, ही विल बिकम परफेक्ट, वह एक पूर्ण संत हो जाएगा, जल्दी वह एक पूर्ण संत हो जाएगा। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलरली, अर्थात अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलरली, अर्थात अनियमित रूप से। महेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, महेश परीक्षा में असफल हो गया बिकॉज, क्योंकि ही स्टडीड, क्योंकि वह अध्ययन करता था। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, महेश परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वह अनियमित रूप से अध्ययन करता था। उसके बाद है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड, मतलब जीविका। जीविका मतलब जो कमाना खाना होता है उसको जीविका बोलते हैं। एवरी पर्सन इज बिजी, प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है इन इज ब्रेड, इन इज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम, कह रहा है कि अपने जीविका की समस्या में, प्रत्येक व्यक्ति में जीविका की समस्या में व्यस्त है। अगला है 36। 36 इसमें ब्रेथ ब्रीथ वंस है लॉस्ट, कह रहा है कि ब्रीथ वंस लॉस्ट। ब्रीथ वंस लॉस्ट का मतलब होता है टू डाई, मतलब अंतिम सांस लेना, अंतिम सांस लेना मतलब मर जाना। हिज फादर ब्रीद ब्रीद हिज लॉस्ट, उसके पिताजी ने अंतिम सांस ली। लिविंग बिहाइंड हिम सिक्स चिल्ड्रेन, अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ते हुए, मतलब उसके पिता ने बच्चों अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़कर अंतिम सांस ली। उसका ये कहने का मतलब है, मतलब पिताजी मर गए और उसके पीछे बच्चे पीछे जो है 6 बच्चे छूट गए। उसके बाद है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, टू ब्रेक द साइलेंस। ब्रेक द आइस का मतलब टू ब्रेक द साइलेंस, मौन का वातावरण तोड़ना। ब्रेक द आइस मतलब टू ब्रेक द साइलेंस, मौन का वातावरण तोड़ना। देखिए एग्जाम्पल कैसे यूज किया है इसमें, वेन ऑल वेयर साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कह रहा है कि जब, वेन जब ऑल सभी लोग वेयर साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक शांत थे। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया टू ब्रेक द आइस, मौन का वातावरण तोड़ने का। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, अ ग्रेट शॉक, एक बड़ा सदमा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एक ग्रेट शॉक, एक बड़ा सदमा। देखिए इसका एग्जाम्पल है हिज मदर्स अनटाइमली डेथ, कह रहा है कि उसकी, हिज मदर्स उसके माँ की अनटाइमली डेथ, असमय मृत्यु, केम टू हिम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसे उसके उसके लिए एक बड़े सदमे की तरह आई। उसके माँ की असमय मृत्यु उसके लिए एक बड़े सदमे की तरह आई, या उसके लिए एक बड़ा सदमा था, ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद है बियर द बंट ऑफ,
बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है टू बियर द मेन अटैक, अर्थात आक्रमण का मुख्य भाग सहना, आक्रमण का मुख्य भाग सहना। किसका कि फ्रंट सोल्जर्स करा, जो आगे के सैनिक होते हैं एलवेज हमेशा बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल, आक्रमण का मुख्य भाग सहते हैं, अर्थात जो आगे वाले सैनिक होते हैं तो आक्रमण का अत्यधिक प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ता है। उसके बाद है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब अ जनरल स्टडी एट ए ग्लैंस, मतलब सरसरी नजर से देखना, बर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी नजर से देखना, बहुत ध्यान से ना देखना। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू, हम कह रहे हैं कि हमने सरसरी नजर से देखा ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटियरिंग, कह रहा है कि मुनाफाखोरी के गवर्नमेंट की रिपोर्ट को, मैंने गवर्नमेंट मुनाफाखोरी की गवर्नमेंट की रिपोर्ट को एक सरसरी नजर से देखा। उसके बाद है बाय ऑल मींस, बाय ऑल मींस का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चय ही, बाय ऑल मींस मतलब सर्टेनली निश्चय ही, जैसे बाय ऑल मींस निश्चय ही विल पास हिज एग्जाम, वो अपनी परीक्षा को पास कर लेगा, बाय ऑल मींस मतलब निश्चय ही विल पास हिज एग्जाम, अपनी सफलता को वो अपनी परीक्षा को पास कर लेगा। उसके बाद है ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड क्या मतलब होता है, ब्लॉक हेड मतलब होता है मूर्ख, फूल, ब्लॉक हेड मतलब मूर्ख, जैसे आई कैन नॉट वर्क विथ हिम, मैं उसके साथ कार्य नहीं कर सकता, जैसा कि ही इज अ ब्लॉक हेड, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। 43 बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है, अनसुटेबल होता है अर्थात अनुपयुक्त होता है, बिसाइड द मार्क मतलब अनसुटेबल अर्थात अनुपयुक्त होता है। हिज आर्गुमेंट कह रहे उसका तर्क, इन द केस, केस में, केस मतलब जो कोर्ट का केस होता है, कह रहे हिज आर्गुमेंट इन द केस, कह रहे केस में उसका जो तर्क है बींग बिसाइड द मार्क अनुपयुक्त था, कह रहा है कि हिज आर्गुमेंट इन द केस बींग बिसाइड मार्क, केस में उसका तर्क अनुपयुक्त होने के कारण वी लॉस्ट द केस, हमने केस खो दिया, मतलब हम केस हार गए। अगला है कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली मतलब दिन दूनी रात चौगनी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दूनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेज गति से। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, कह रहे भारत प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दूनी रात चौगुनी, अर्थात बहुत तेज गति से भारत प्रगति कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो है ये एडियंस फ्रेज का ये सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, और भी वोकैबुलरी के जो भी पार्ट है, होमोफोन्स का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, एंटोनिम सिनोनिम्स का, इसको भी मैं लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।